वज़ीर-ए-आज़म असेंबली तहलील करने से डरते हैं, इस हुकूमत को अब कोई नहीं बचा सकता। जियाले चेयरमैन के ताबड़तोड़ हमले, कहा ये इख्तिताम का आगाज है। वज़ीर-ए-आज़म को अपने इत्तेहादियों और MNAs ने ही मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो का तहरीक पंजाब से शुरू करने का इशारा। हम समझते हैं कि हमें पहले पंजाब को बचाना चाहिए। हम कब अदम एतमाद और कहाँ अदम एतमाद या क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक के मूवमेंट के अफसर। मुझे पहले से ही पता था सेनेट इंतखाबात में पैसा चलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पार्टी रहनुमाओं के इजलास में इजहार ख्याल, कहा मुखालिफीन के हथकंडों से नहीं घबराऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म हफ्ते को कौमी असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे, आज शाम कौम से खिताब करेंगे। एतमाद का वोट लेंगे तो हुकूमत 6 महीने के लिए उसके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकता इनके आर्टिकल 197 के तहत। अगर नहीं लेंगे तो फिर खत्म हो जाएगी हुकूमत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इत्तेहादियों से राबते तेज। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन, एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत। परवेज इलाही ने कहा कि आपके साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की MQM सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी गुफ्तगू, खालिद मकबूल की भी एतमाद का वोट देने की यकीन दहानी। कोरोना ने PSL को फुल स्टॉप लगा दिया, सीजन 5 की तरह सीजन 6 भी मुलतवी। लीग खेलने वाले मजीद 3 खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट मुस्बत आने के बाद मुतासरीन की तादाद 7 हो गई। PSL फ्रेंचाइजेज ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर्स को रिलीज कर दिया, खिलाड़ी अगली दस्तयाब फ्लाइट से अपने अपने मुल्क रवाना होंगे। और ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए, SOPs की पाबंदी सबकी जिम्मेदारी थी। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं बाकी के PSL मैचेस का शेड्यूल बाद में तय किया जाएगा। दोबारा क्रिकेट इवेंट करवाना और गैर मुल्की प्लेयर्स और टीम्स का भरोसा जीतना मुश्किल होगा, लेकिन गलतियों से सीखेंगे, पूरे मामले की तहकीकात करेंगे।